यदि आपने सेक्सुअली कंटेंट किसी भी प्राइवेसी पर्सनल इमेजेस को या फिर वीडियोज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी डेटा को यदि आप ऑनलाइन पब्लिश करते हो तो उसके लिए इस सजा में सिंपली कहा गया है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हैकर मास। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2000 सेक्शन 67A के बारे में। इसमें सिंपली आपसे कहा गया है कि यदि आपने किसी की भी पर्सनल सेक्सुअल रिलेटेड यदि तस्वीर को वीडियो या फिर कोई भी फॉर्म मेड हो वो आपने ऑनलाइन प्रेजेंस के रूप में यदि ऑनलाइन आपने उसे पब्लिश कर दिया तो आप पर ये सजा लग सकता है और इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके के आप पर केस फाइल किए जाएंगे। इसमें दंड की बात करूं, जुर्माना की, तो इसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और बात करें इसमें सज़ा की तो 5 साल तक का सज़ा हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक है। यदि आपने इस एक्ट के तहत यदि आपने उसे कोई डिजिटल बुक्स वगैरह में या फिर पेंटिंग वगैरह के जरिए या फिर कोई भी पर्सनल यदि सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड है वो प्रोडक्ट तो आपने उसे यदि पब्लिश कर दिया ऑनलाइन तो आप पर ये सज़ा हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच टू स्टे विथ मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक मिनट, अगला टॉपिक रहेगा सेक्शन 67B। यदि आपको वो टॉपिक के अच्छी तरह से देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लो ताकि उस वीडियो को आप मिस ना कर सको। तो बस थैंक यू सो मच।